जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स 21st to 28th of April। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। अभी जो है मे मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी हम वीकली करंट अफेयर्स के श्रेणी में जो है लेकर आएंगे और उसको हम कवर करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले आपका आता है इंटरनेशनल न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ आती है इंडिया कुवैत के रिलेशन स्ट्रेंथन हुए हैं विद इनॉग्रल हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप मिडल ईस्ट के साथ या जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं उसके साथ हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत सारा हमारा इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर रहता है, काम करता है, तो उनके लिए जो है ये हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू किया गया है। सो दैट विल बी लाइक इंडियन एम्बेसी इन कुवैत इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट इन द कंट्री, और इससे डेफिनेटली रिलेशंस इंप्रूव होंगे। और ये जो है एफएम 93.3 और एएम 96.3 पर जो है एयर होगा, मतलब अवेलेबल हो पाएगा वहाँ के लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, नेपाल ने होस्ट किया है इनॉग्रल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। देखिए लास्ट ईयर 2023 में नेपाल में LGBT कम्युनिटी के जो मैरिजेज हैं उनको रिकग्नाइज कर लिया गया था। अब कहीं ना कहीं नेपाल जो है दुनिया भर में ये शो करना चाहता है या ये प्रोजेक्ट करना चाहता है कि हम जो है LGBTQ कम्युनिटी को लेकर काफ़ी फ्रेंडली नेशन है। उन टूरिस्ट को जो है कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज के थ्रू नेपाल। सो होस्ट इनॉग्रल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, तो इसको नाम दिया गया रेनबो टूरिज्म, मतलब हर जो है कह लीजिए सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग जो हैं यहां पर इनवाइटेड है, ऐसा कहीं ना कहीं नेपाल कहना चाहता है। सो गोल क्या है, एक टॉप LGBTQ कम्युनिटी फ्रेंडली जो है कंट्री बनाने का लक्ष्य है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन लगभग 120 से ज़्यादा लोगों ने इसको अटेंड किया, एंड नेपाल टूरिज्म इंडस्ट्री विल बी इंक्लूसिव एंड डाइवर्स। ये कहीं ना कहीं मैसेज जो है नेपाल देना चाहता है कि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग अ थर्ड जेंडर कैटेगरी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, जो जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर ये जो मैरिजेज हैं LGBTQ कम्युनिटी मैरिजेज हैं इनको रिकग्नाइज कर लिया गया है नेपाल के द्वारा। नेक्स्ट आता है इंडिया कॉल्स फॉर रीजनल ऑब्जर्वेशन सेंटर एट 2024 ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस। देखिए ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस में 2024 में भारत ने कहा कि रीजनल ऑब्जर्वेशन सेंटर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे अर्थ साइंसेस के सेक्रेटरी, उन्होंने इस बात को रखा। और ये जो ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस हुई ये बार्सिलोना स्पेन में हुई। स्पेन में अगर आप देखेंगे ये बार्सिलोना का एरिया जो है ये सेपरेट कंट्री बनने की भी बात करता है, ठीक है। ये मुद्दा भी मैंने एक बार करंट अफेयर के सेशन में डिस्कस किया था, आज हम उसमें नहीं जाएंगे, बट दिस इज बार्सिलोना वेरी फेमस, ठीक है, बहुत फेमस क्लब भी है। सो दिस वाज होस्टेड बाय स्पेनिश गवर्नमेंट एंड यूनेस्कोस इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन। और इसका मकसद क्या है कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ ओशन साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ध्यान रखने वाला है 2021 से लेकर 30 तक ये जो दशक चल रहा है इसको यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए किस तरीके से ओशंस को यूज किया जा सकता है उसके बारे में ये आपका दशक चल रहा है। और इसमें इंडिया ने कहा है कि रीजनल जो है कॉन्फ्रेंस रीजनल सेंटर होना चाहिए, रीजनल स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन सेंटर होना चाहिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन के लिए, साउथ एशिया के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिया रैंक्स फोर्थ ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023। ये खास इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसराइल हमास वॉर चल रहा है, चाइना ताइवान को कहीं ना कहीं धमकी दे रहा है। चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ हम देख रहे हैं गलवान वैली के बाद लगातार, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, वहाँ की सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। इन सारे कंटेक्स्ट में इंडिया का फोर्थ मिलिट्री स्पेंडिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सो इंडिया बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग, कितना, $83.6 बिलियन फॉर डिफेंस, ठीक है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और यूनाइटेड स्टेट्स है पहले नंबर पे, फिर चाइना है, फिर रशिया है, और ये जैसे मैंने आपको कहा चाइना बॉर्डर पे जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है खासकर लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट आता है इंडियन पासपोर्ट इज द सेकेंड चीपेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएई। इसका मकसद ये है, इसको सिंपल भाषा में समझे तो आप इंडियन पासपोर्ट को सबसे कम दाम में जो है मतलब बनवा सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉस्ट जो है सबसे कम पड़ती है आपको, ठीक है। तो ये जो है आफ्टर यूएई, बट इंडिया यूएई के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, इंडिया में सिर्फ 62 देश ऐसे हैं, मतलब एज ए इंडियन हम 62 देशों में 62 देशों में वीजा फ्री एक्सेस हमें मिलता है, ठीक है, वीजा फ्री एक्सेस मिलता है, बट यूएई में बहुत ज्यादा नंबर है ये, ठीक है। सो इन कंपैरिजन यूएई पासपोर्ट टॉप द लिस्ट फॉर बोथ चीपेस्ट एक्विजिशन इन कॉस्ट एंड नंबर ऑफ कंट्रीज विद वीजा फ्री एक्सेस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यूएई का पासपोर्ट सबसे बेहतरीन माना जाता है इस सेंस में कि सबसे कम कॉस्ट में आपको मिल जाता है और सबसे ज्यादा देशों में आप वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर द मार्केट एयू, एक ऑस्ट्रेलियन फर्म ने ये कंडक्ट किया और जो हमारी एक्विजिशन कॉस्ट है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, वीजा फ्री एक्सेस है, इस चीज को वो स्टडी करता है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत कॉस्ट कॉन्शियस कंट्री हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीज़ा हो, वो जो है कहीं ना कहीं घूमने जाएं, बिजनेस करें। इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ पर जो वीज़ा सर्विसेज हैं वो काफ़ी जो है कम दाम में अवेलेबल हो जाती हैं ग्लोबली अगर हम उसको कंपेयर करते हैं। सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिगिंस इन न्यू दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से डिजास्टर्स की फ्रिक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, गर्मियों में टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक, फ्लॉडी राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस टच कर चुका है, ठीक है, चूरू में भी इसी तरीके की न्यूज़ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हमारे पास डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो इसका जो कंसेप्ट है वो भारत ही लेकर आया था। सिक्स एडिशन था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेंस्ड इन न्यू दिल्ली और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको ध्यान में रखना है, CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट। मतलब डिजास्टर रेजिलियंट का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जो जो डिजास्टर्स हैं उनको सह सके, जैसे अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपको खासकर जापान में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगी, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं इसको लेकर कि आपको अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग्स को बनाना है। सो द इवेंट फोकसेस ऑन इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रेजिलियंट टुमारो, ठीक है, तो दैट इज एग्जैक्टली द आइडिया। और ये जो CDRI है ये इनिशिएट किया गया था बाय द इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2019 में, अब इसमें 46 कंट्रीज आती हैं। मकसद क्या है, अगेन इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो डिजास्टर्स को कह लीजिए फेस कर सके, सहन कर सके, ठीक है जी। सो दैट इज द आइडिया। नेक्स्ट आपका US प्लेसेस इंडिया ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर IP प्रोटेक्शन। कहीं ना कहीं US का ये कहना है कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशंस बहुत ज़्यादा हैं और उस चीज़ को लेकर जो है टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे उस पर रखा गया है। सो 2024 स्पेशल 301 रिपोर्ट बाय US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे रखा गया है। सो कहीं ना कहीं ये कंसर्न शो करता है भारत के प्रति के भारत जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस को लेकर बहुत ज़्यादा सजग नहीं है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, US के अकॉर्डिंग कि हम यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। और ये भी सजेस्ट करता है कि स्क्रूटनी होनी चाहिए इंडिया के IP प्रोटेक्शन की और इन्फोर्समेंट प्रैक्टिसेस की बाय द US अथॉरिटीज़, ऐसा US का कहना है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अगर हम बात करें तो एक आपका TRIPS एग्रीमेंट आता है, ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये आपका WTO में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका आता है इंडियन नेशनल न्यूज। पहली न्यूज है न्यू आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज अनवी तेलंगानाज एंशंट हेरिटेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जंगलों में घिरा हुआ था, अब ये एक लगभग 3000 साल पुराना जो है इस तरीके का हेरिटेज आपको देखने को मिला है। 200 मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, मेगा इज लाइक बड़े पत्थरों का जो है मॉन्यूमेंट्स आपको मिले हैं डेटिंग अराउंड टू 1000 बिफोर कॉमन एरा, 2024 की बात कर रहे हैं तो लगभग 3000 साल पहले, ठीक है, वॉज फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट एरिया। सो इन मॉन्यूमेंट्स मेनली डॉलमेनॉइड सिस्ट
ठीक है, इसमें जल्दी आपको या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप देखने को मिल रही है, ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप देखने को मिल रही है। और दो जगहें हैं इसमें, टू न्यू रॉक आर्ट साइट्स, सो देवरलबंदा मुला वर डिस्कवर्ड इन गोंदला मंडल, और सो दीज आर द प्लेसेस, ठीक है, जिसमें एनिमल्स को भी शो किया गया। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का मकसद है कि एनिमल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ओवरऑल वहाँ उस समय के कल्चर में, पॉसिबली लिंक टू हंटिंग और एनिमल वर्शिप। नेक्स्ट आता है शॉम्पेन ट्राइब कास्ट देयर फर्स्ट वोटर्स इन अंडमान निकोबार इलेक्शंस, ठीक है। शॉम्पेन ट्राइब जो है निकोबार में रहती है, एकमात्र ट्राइब ऐसी है जिसमें मंगोलॉयड फीचर्स हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारी रेसेस हैं दुनिया में, बहुत सारी नस्लें हैं, उस नस्लों में जब हम बात करते हैं रेशियल फीचर्स की बात करते हैं तो जनरली जो हम लाइक ईस्ट एशिया की बात करते हैं जिसमें चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया, ठीक है, उसमें जो जिस तरीके के आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं वो फीचर्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं शॉम्पेन ट्राइब में। और ये ज़्यादातर जो है एक्सक्लूडेड है, मतलब कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करते हैं मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ। रिसेंटली इनकी जो 2011 का सेंसस हुआ, जब पॉपुलेशन देखी गई तो पॉपुलेशन मात्र 229 है, 229 मात्र। और बहुत लोगों का ये भी कहना है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है क्योंकि ये बहुत डेंस जंगलों में रहते हैं और मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और पहली बार इन्होंने वोट किया है, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम समावेशी विकास की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो वो ट्राइब्स जो आज तक इलेक्शंस में पार्टिसिपेट जिन्होंने नहीं किया था वो भी इलेक्शंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो सेवन मेंबर्स ऑफ द शॉम्पेन ट्राइब इन अंडमान निकोबार आइलैंड एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखिए पीवीटीजी क्या होता है, पीवीटीजी वो ग्रुप होता है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी सबसे पिछड़ा हुआ है, ठीक है, वल्नरेबल कह लीजिए ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। So they have participated in the voting in the lone Lok Sabha seat in the Union Territory and the population, जैसे मैंने आपको बताया शॉम्पेन ट्राइब्स के बारे में। Okay, so this is all about the शॉम्पेन ट्राइब्स। ये मैंने आपको बताया कि मेनली जो है ये निकोबार आइलैंड्स में, अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल, कौन से डिग्री का चैनल अलग करता है, ये कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे जो भी इस सेशन को देख रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप उनका आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें, दैट इज़ अ वे ऑफ लर्निंग, दैट इज़ अ वे ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। सो मोस्ट मेंबर्स आर अनकॉन्टेक्टेड एंड अवॉइड इंटरेक्शंस विद द आउटसाइडर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है 34th, तो इसको याद रखना है, ठीक है, शैम्पू, ठीक है, शैम्पू लगाते हैं निकोबार में, ठीक है, निकोबार बार बार में जो है बियर का शैम्पू लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। बियर शैम्पू भी आता है एक, ठीक है, चलो 34th सिंह खिलांग फेस्टिवल कंक्लूड्स वाहिजर मेघालय, ठीक है। तो यहां पर 34th सिंह खिलांग फेस्टिवल हुआ कहां पर, मेघालय में, इम्पॉर्टेंट है मेघालय, गारो खासी जेंतिया हिल्स, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, खासी इंडिजीनियस फेथ एंडेड इन वाइजर मेघालय फेस्टिवल ऑनर द यूनिटी एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटी, और यहाँ पर एक सिंबॉलिक एक्सचेंज होता है मोनोलिथ का रिप्रेजेंटिंग द एंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द बिलीवर्स, सो रिसीव्ड इन द वाइजर फ्रॉम सेंग खासी, शायद इन द वेस्ट खासी हिल्स, ठीक है। तो कुल मिला के एक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मोनोलिथ है, उसको रखा जाता है, उसको भेंट किया जाता है, ठीक है, एक्सचेंज होता है उस मोनोलिथ का, एक सिंगल पत्थर का, मोनोलिथ मतलब एक सिंगल पत्थर का, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, सिंगिंग कर रहे हैं, इसको ऐसे याद रखना, सिंगिंग कर रहे हैं मेघालय में जाकर, मेघालय मतलब बारिश, ठीक है, जहाँ पर मौजिन राम है, चिरापूंजी है, जब बारिश होती है तो गाने गाए जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सुहावना मौसम है, सिंगिंग की जाती है। चलिए नेक्स्ट है कर्नाटका एंड गुजरात लीड इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ऐसा रिपोर्ट ने कहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात और कर्नाटका बहुत इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी की, ग्लोबल वार्मिंग, लाइक गर्मियों का सीजन चल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का सीधा सीधा इम्पैक्ट देख रहे हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर जो है टच कर चुका है,
तो दैट इज द यू कैन से द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी को लेकर जो है जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं. तो गुजरात और कर्नाटका इसमें सबसे कह लीजिए सबसे आगे हैं. तो ये जो स्टडी की गई है किसके द्वारा की गई है, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के द्वारा, ठीक है जी. एंड एम्बर सर्वेड द परफॉर्मेंस ऑफ 21 स्टेट्स, कर्नाटका और गुजरात इसमें सबसे आगे हैं. और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका जो है सबसे आगे है, गुजरात दूसरे नंबर पे है. सो लाइक किस तरीके से फॉसिल फ्यूल से जो है स्टेट्स जो है शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल से यहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं रिन्यूएबल सोर्सेज पे, इसको दिया देखा जाता है. परफॉर्मेंस क्या है पावर सिस्टम की, किस तरीके से ग्रीनर मार्केट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, रेडीनेस कितनी है पावर इकोसिस्टम की, और पॉलिसीज और पॉलिटिकल कमिटमेंट कितना है. तो इनके बेसिस पर जो है इस डाटा को कलेक्ट किया गया है. नेक्स्ट आता है आपका इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन अनविल्स न्यू लोगो एंड मोटो. तो यहाँ पर नया लोगो जो है लाया गया है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन. देखिए हिस्ट्री का लिटरल मतलब होता है एज इट इज, ठीक है, के फैक्ट्स को जैसे थे वैसे रखा जाए और उसके बेसिस पे एनालिसिस किया जाए, इंटरप्रिटेशन जो है लिखा जाए. तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जितने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको संजो के उनको संभाल के रखा जाए ताकि फ्यूचर में जब भी इसको स्टडी करना हो तो सही मायने में इसको स्टडी किया जा सके. क्योंकि हिस्ट्री में ट्वीक करना ये काफ़ी ज़्यादा दोनों कह लीजिए तरफ से, ठीक है, ये देखा जाता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हिस्ट्री को जैसे थे वैसे पढ़ा जाए. तो यहाँ पर इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन अडॉप्टेड अ न्यू लोगो एंड मोटो इन अप्रैल 2024, ठीक है जी. तो नया मोटो क्या है, यत्र इतिहासम भविष्यम प्रकाशंतम प्रकाशंतम, ठीक है, ट्रेवल हिस्ट्री फ्यूचर ट्रेनिंग. तो आप हिस्ट्री में ट्रेवल कर रहे हैं और फ्यूचर की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन को ट्रेन करने के लिए आप हिस्ट्री में पीछे जा रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि अच्छा कि ये हुआ था, ठीक है, तब आप उसको बहुत फेयरली पढ़ सके. डिज़ाइन और लोगो जो है वो लाइक ऑनलाइन कंपटीशन किया गया था, जैसे रूपी सिंबल का था, ठीक है, जैसे रूपी जो सिंबल था उसके साथ भी ऐसा ही था कि ठीक है ये आपका सिंबल था, वैसे ही इसका लोगो भी ऑनलाइन कंपटीशन के थ्रू इनवाइट किया गया. 436 एंट्रीज आई और दिल्ली के शौर्य प्रताप सिंह जो हैं उनको सिलेक्ट किया गया इस चीज़ के लिए, ठीक है, उनके लोगो को ये कह सकते हैं सिलेक्ट किया गया, ठीक है जी. चलिए आगे चलते हैं. इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश. पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन. देखो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, पानी को जब ब्रेक किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ब्रेक किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन एक पोटेंशियल कह लीजिए फ्यूल है. अब इसको ब्रेक कैसे करना है, ग्रीन एनर्जी के थ्रू, ठीक है, ग्रीन एनर्जी को यूज करके. क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हैं कोयला जलाकर देन इट मेक्स नो सेंस, ठीक है, मेक्स सेंस बट द आइडिया हियर इज के फिर उसमें इमिशंस हो रही हैं, ठीक है. तो इसको बोला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन में जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो काफी ज्यादा है. सो SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड अचीव्ड अ माइलस्टोन इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है. तो ये आपका 1500 मेगावाट का नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन जो है विल बी यूज्ड फॉर हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल फैसिलिटी, ठीक है जी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स फ्यूल सेल ऑफ 25 किलोवाट कैपेसिटी. ओके, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक न्यूज. रिकॉर्ड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हुई हैं, बजट एस्टिमेट्स को भी क्रॉस कर दिया है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो पर्सनल इनकम टैक्स और जो है कॉरपोरेट टैक्स दोनों में ही बढ़ोतरी देखी गई है. सो एस्टिमेट था बाय 1.35 लाख करोड़, ठीक है जी, इससे ज़्यादा मतलब लगभग 1,35,000 करोड़ ज़्यादा जो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया गया है, जो कि 7.4% इंक्रीज है. प्रोविजनल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रीच 19.58 लाख करोड़, जो कि 17.7% ग्रोथ है पिछले साल से. सो दैट्स अ गुड थिंग. देखो GST के कलेक्शंस भी ऑल टाइम हाई चल रही हैं, पर्सनल जो टैक्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनकी जो कह लीजिए कलेक्शंस भी ऑल टाइम हाई है. दैट शोज
कि जो टैक्स इवेजन है, टैक्स अवॉइडेंस है, वो लगातार कम होती जा रही है. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन. नेक्स्ट आता है इरडाई, रिमूव्स द एज लिमिट ऑफ 65 इयर्स फॉर बाइंग द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 65 साल का जो अपर लिमिट था हेल्थ पॉलिसीज, क्योंकि उसके ऊपर लोग जो हैं हेल्थ पॉलिसीज नहीं ले पाते थे. और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत में जो एवरेज एज है सर्वाइव की, ठीक है, मतलब कह लीजिए एक्सपेक्टेंसी, जो एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती जा रही है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि 65 के ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज मिल सके, उनकी फैमिली पर हेल्थ कॉस्ट का बर्डन आए. अभी रिसेंटली इलेक्शंस में ये भी कहा गया एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, कि 70 साल के ऊपर के जो भी लोग होंगे, वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हों, उनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत के तहत दिया जाएगा, ठीक है, अगर सरकार बनती है तो. एनीवेज, द आइडिया हेयर इज के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हेल्थ, उन पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है अगर देखा जाए तो, टेक्निकली उन पे सबसे ज़्यादा खर्चा है और वही इससे बाहर थे. तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, 1 अप्रैल से इसको इफेक्टिव किया गया है. कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अलाउंग एनीवन टू बाय अ न्यू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है. इसके अलावा देर इज नो लिमिट ऑन कवरेज टू आयुष ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी अप टू द सम इंश्योर्ड विदाउट एनी कैप. नेक्स्ट आता है नेट FDI इन इंडिया डिप्स टू $14.55 बिलियन इन अप्रैल 2023 टू फेब 2024. दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, दिस इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया. क्योंकि एक तरफ हम जब हम लाइक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, डेवलप्ड कंट्री बनने की बात करते हैं, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लगातार कम होना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, ठीक है जी. तो यहां पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा डिक्लाइन हुआ है 14 पॉइंट, ये कुछ भी नहीं है, ये नंबर आप यहां पर पीक देखेंगे तो यहां पर लगभग $40 बिलियन से ऊपर का पीक हुआ है टच, और ये गिरकर जो है $14.5 बिलियन रह गया है. सो मोर देन 60% ऑफ द FDI इक्विटी इनफ्लोस टारगेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर सर्विसेज, एनर्जी इस पर्टिकुलर क्षेत्र में आती हैं, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज और मेजर सोर्स कंट्रीज कौन, मतलब कौन से देशों से आता है, सिंगापुर, मॉरिशियस, US, नीदरलैंड, जापान, UAE. मेजरली जो है 80% से ज़्यादा FDI इन कंट्री से आता है, ठीक है, सिंगापुर, मॉरिशियस, US, नीदरलैंड, UAE, जापान. इंडिया रैंक्ड अमंग द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज 2024 FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स. ऑप्टिम मतलब कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को लेकर एक ऑप्टिमिज्म है, एक पॉजिटिव आउटलुक है, बट ये कम होता जा रहा है, दैट्स अगेन कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है जी. सो FDI जो आया है हमारे $39.61 बिलियन आया, आउटफ्लो कितना रहा $12.90 बिलियन. ये 20 फेब, ये ध्यान रखना, ये अप्रैल 2022 टू फेब 2023 का डाटा दे रहा है, ठीक है जी. इंडिया का जो पॉपुलेशन है एस्टिमेटेड एट 144 करोड़, जिसमें 24% हमारी जो पॉपुलेशन है वो 0 to 14 एज ग्रुप के बीच में है. यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये डाटा दिया गया है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट. और इंटरवुमेन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप एंडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स. और इंडिया की पॉपुलेशन जो है विल डबल इन 77 ईयर्स, ठीक है. तो ये एक अगेन लगातार हमारी पॉपुलेशन जो है, चाइना को ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं. चाइना की जो पॉपुलेशन है लगभग 142 करोड़ है, हम 144 करोड़ पे पहुंच चुके हैं, 144 करोड़. दो अभी सेंसस नहीं हुआ है, कहा जा रहा है कि अब ये इलेक्शंस कंप्लीट होंगे उसके बाद आपका सेंसस शुरू होगा, ठीक है. बट आइडिया अगेन यहां पर ये है कि दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है जी. नबार्ड अनवील्स क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2023. तो नबार्ड ने जो है अगेन क्लाइमेट को लेकर अपनी एक स्ट्रेटजी अनवील की है, पब्लिक की है 2030 तक क्या क्या वो करने वाले हैं. सो डॉक्यूमेंट ऑन अर्थ डे एमिंग टू एड्रेस इंडियाज एस्केलेटिंग नीड फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग. किस तरीके से, देखिए नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट.
तो रूरल एरियाज में ग्रीन फाइनेंसिंग, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को कैसे फाइनेंस किया जाए, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि $170 बिलियन एनुअली चाहिए होंगे टू रीच अ क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ ओवर $2.5 ट्रिलियन बाय 2030। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से ये इसको करने वाले हैं, ग्रीन लैंडिंग अक्रॉस सेक्टर्स को बढ़ाएंगे, मार्केट मेकिंग रोल, ठीक है, इस पर बात की गई, और इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड, स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कुल मिला के मतलब रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, जैसे पीएम सूर्य गृह योजना, ठीक है, रूफ टॉप सोलर की जो बात की गई है 1 करोड़ घरों में, तो उसमें नाबार्ड का बहुत बड़ा रोल आएगा। गांव देहात में जो है हमारे सेमी अर्बन एरियाज में किस तरीके से वहां पर जो है रूफ टॉप सोलर को फाइनेंस किया जाए नाबार्ड के द्वारा, वहां पर इनका काफी बड़ा रोल रहने वाला है। अडानी के जो विजेंजम पोर्ट है अप्रूव्ड एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्यों इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ऐसे समझिए कि जब आप एक हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे पे आपको एक पेट्रोल पंप मिलता है जहां पे आप पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं अपनी गाड़ी में, ठीक है, और वहां पर एक छोटा सा खाने पीने का मॉल टाइप भी बना है, ठीक है, जहां पर रुक के आप अपना खाना खा सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इसको पोर्ट्स के कंटेक्स्ट में समझिए कि पोर्ट्स में जनरली क्या होता है कि जब शिप एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो एक पर्टिकुलर पोर्ट पर जाकर रुकता है, जिसको पोर्ट ऑफ कॉल फैसिलिटीज भी कहा जाता है। उस पोर्ट पर जाकर वो रिफ्यूलिंग करता है, कुछ अगर टेक्निकल दिक्कत है उसको ठीक किया जाता है, और उसके अलावा जो है जो सामान है जो वहाँ पर ड्रॉप करना है छोटे छोटे शिप्स में वहाँ से आगे ले जाया जाता है, और इसके अलावा वहाँ पर बाकी सर्विसेज को अवेल करता है। इससे होता क्या है, इससे वहाँ उस पोर्ट की इकोनॉमी को और उस एरिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश मिलता है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई इंडिया में ट्रांसशिपमेंट हब नहीं था, अब ये जो है विजेंजम पोर्ट इस चीज़ को कवर करने जा रहा है, ठीक है। सो केरल में सो गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल चुका है, इंडिया का इनॉग्रल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, सिग्निफिकेंट एज इट अलाउज कार्गो टू बी ट्रांसपोर्टेड ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्ज वेसल्स टू स्मॉलर वंस, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज गोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। करेंटली अगर सब्सटेंशियल पोर्शन देखें इंडिया का ट्रांसशिपमेंट कार्गो का, इज हैंडल्ड बाय पोर्ट्स अब्रॉड जैसे कि कोलंबो और सिंगापुर। जो काम कोलंबो पोर्ट और सिंगापुर पोर्ट कर रहा था, अब वो विजेंजम पोर्ट भी करेगा, दैट इज द पॉजिटिव थिंग। आगे चलते हैं डिफेंस न्यूज में, तो सबसे पहले आता है नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है क्रूज मिसाइल विद सुपर लार्ज वॉरहेड, मतलब सीधा सीधा कहें तो यहाँ पर क्रूज मिसाइल, दो तरीके के मिसाइल्स होते हैं, एक ब्लास्टिक मिसाइल होती है जिसका ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से रहता है, एक क्रूज मिसाइल है जिसकी ट्रेजेक्ट्री जो सरफेस के बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, जो एक पैराबोलिक पाथ नहीं लेता। अब यहाँ पर लार्ज वॉरहेड, नॉर्थ कोरिया सीधा सीधा थ्रेटन करता है साउथ कोरिया को, जापान को और यूएस को, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पीछे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो कहा जाता है कि चाइना सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है। सो टेस्ट अकर्ड आफ्टर यूएन सैंक्शंस मॉनिटरिंग अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया वाज डिसरप्टेड बाय चाइना, सॉरी बाय रशिया लास्ट मंथ, और इसमें न्यू एंटीक्राफ्ट मिसाइल्स क्रूज मिसाइल वॉरहेड्स को जो है टेस्ट किया गया। और इसके अलावा यहाँ पर इसका जो नाम दिया गया है वो हवसल 1 रॉ 3 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल लॉन्च्ड बाय प्योलजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स। तो प्योलजी को आप याद रख सकते हैं प्योंगयांग से, ठीक है, जो कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, ठीक है, और हवा हवाई बातें कर रहे हैं, हवा में जो है बातें कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया वाले प्योंगयांग वाले, तो वहाँ से आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन आर्मी, सॉरी इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है एक्सरसाइज पूर्वी लहर, ठीक है। सो इंडियन नेवी कंडक्टेड एक्सटेंसिव एक्सरसाइज पूर्वी लहर अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट, द एक्सरसाइज एम टू एसेस द रेडीनेस अगेंस्ट द मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द रीजन। सीधा सीधा जो है ईस्टर्न कोस्ट पे इसको कंडक्ट किया गया, स्पेशल नेवल फोर्सेज सबमरीन्स एयरक्राफ्ट शिप्स पार्टिसिपेट किया है इसमें एक्सरसाइज में, एंड दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ कमांडिंग इन फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट पे इसको कंडक्ट किया गया पूर्वी लहर, एक पश्चिमी लहर होता है वो वेस्टर्न नेवल कमांड जो है उसको कंडक्ट करता है। नेक्स्ट आता है इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एयर लॉन्च्ड ब्लास्टिक मिसाइल, ठीक है, एयर लॉन्च्ड ब्लास्टिक मिसाइल। सो
सो माइलस्टोन सक्सेसफुली टेस्ट फायरिंग एन एयर लॉन्च ब्लास्टिंग मिसाइल जिसका नाम है रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2, ठीक है, क्रिस्टल मेज 2, और ये लॉन्च किया गया है Su-30MKI फाइटर जेट से इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और टारगेट मतलब जो रेंज है दैट इज अराउंड 250 किलोमीटर्स, और ये इजरायली रीजन का है, ये आपको पता होना चाहिए, एयर टू सरफेस मिसाइल, ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल, और ये इंडियन एयरफोर्स के पास आ गया है, ठीक है जी, डिजाइन हाई वैल्यूड स्टेशनरी एंड रीलोकेटेबल टारगेट्स, ठीक है, जो रीलोकेट हो सकते हैं या स्टेशनरी टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए, क्रिस्टल मेज 2। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स न्यूज में, मैक्स वेरस्टैपेन ने जीत लिया है पहला चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स। देखिए चाइना में ये बहुत सालों बाद ग्रैंड प्रिक्स हो रहा था, और मैक्स वेरस्टैपेन ऑफ रेड बुल रेसिंग चाइना चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स और 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी लीड को बढ़ाया है, देन रिटर्न द फॉर्मूला 1 रेस आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल बाद यहाँ पर ये चाइना में फॉर्मूला 1 रेसिंग हुआ। इंडिया गुकेश डी क्रिएट्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग द वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस प्लेयर टू विन फाइड कैंडिडेट्स, ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइड कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट टोरंटो में हुआ, यंगेस्ट चैलेंजर एवर वर्ल्ड टाइटल, काफ़ी भव्य स्वागत किया गया डी गुकेश का जब वो भारत वापस आए, एंड सेट टू फेस द रीनिंग वर्ल्ड चैंपियन डिंग लिरेन ऑफ चाइना लेटर इन 2024। ही बिकेम्स द ओनली सेकेंड इंडियन टू विन द कैंडिडेट्स फॉलोइंग द विश्वनाथन आनंद, अ 5-टाइम चैंपियन हु अचीव्ड दिस इन 2014। गुकेश डी ने कम्प्लीश किया सरपासेस रिकॉर्ड सेट बाय गैरी कैस्परोव 4 डिकेट्स, जब गैरी कैस्परोव 22 ईयर्स के थे 1984 में, तो उसको भी आगे 17 साल की उम्र में ये अचीव कर लिया, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। नेक्स्ट है आपका इंडोनेशिया के क्रिस्टी टेक्स एशिया बैडमिंटन क्राउन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडोनेशिया के प्लेयर हैं, सो जोनाटन क्रिस्टी इंडोनेशिया के बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीत लिया है डिफीटिंग ली शी फेंग इन 2 सेट्स। सो यहाँ पर जो है फाइनल जो जीता चाइना में, इसके अलावा मेंस डबल कैटेगरी में चाइना के प्लेयर ने बाजी मारी, तो ये आपको जोनाटन क्रिस्टी का नाम ध्यान में रखना है, इंडोनेशिया के प्लेयर हैं, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीता इन्होंने चाइना में। युजवेंद्र चहल ने अगेन एक रिकॉर्ड बनाया है, फर्स्ट बॉलर विद 200 IPL विकेट्स, ठीक है, 200 IPL विकेट्स हो गई हैं, और ये कारनामा किया है उन्होंने 153 गेम्स में 200 विकेट्स ले ली हैं, और ये माइलस्टोन जो है ड्यूरिंग द मैच अगेंस्ट मुंबई इंडियंस एट सवाई मानसिंह स्टेडियम इन जयपुर, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स से ये अभी खेल रहे हैं। नेक्स्ट आता है बलराज पवार क्वालिफाइज इंडिया फॉर पेरिस ओलंपिक्स इन रोइंग, ठीक है, बल है इसीलिए जो है पहिया चला रहे हैं, पवर पहिया चला रहे हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं बल है। सो फर्स्ट पेरिस ओलंपिक्स कोटा इन रोइंग, 3rd पोजीशन लिया उन्होंने मेन सिंगल स्कल इवेंट 2024 वर्ल्ड एशियन एंड ओशियनिक ओलंपिक एंड पैरालंपिक क्वालिफिकेशन में। पैरालंपिक्स बेसिकली जो दिव्यांगजन, ठीक है, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके द्वारा जो स्पोर्ट्स खेली जाती है उसको पैरालंपिक्स कहा जाता है। 25 साल के हैं, इंडियन आर्मी से, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस विद अ टाइम ऑफ 7 मिनट्स एंड 1.27 सेकेंड्स 2000 मीटर की रेस में। कैस्परोड विंस बार्सिलोना ओपन, रेबिकिना क्लिंचेस स्टटगार्ट ओपन, ठीक है, तो ये कैस्परोड ने बार्सिलोना ओपन जीत लिया है। सो वर्ल्ड नंबर 6 फ्रॉम नॉर्वे वॉन द ATP बार्सिलोना ओपन 500 सिंगल्स टाइटल। ही डिफीटेड स्टेफनस सिस्टिपास ऑफ ग्रीस इन द फाइनल विद अ स्कोर ऑफ दिस मच। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड नंबर 6 कैस्परोड ने फ्रॉम नॉर्वे ATP बार्सिलोना, बार्सिलोना कहाँ था, स्पेन में, ठीक है, स्पेन में 500 सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 अनाउंस किए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी फेमस अवार्ड्स ये माने जाते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं किस किस को मिला है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड नोवाक जोकोविक को मिला है, तो ये आप देख सकते हैं नोवाक जोकोविक, और जो वुमेन का मिला है बोनमार्टी को, ठीक है, बोनमार्टी बहुत फेमस प्लेयर हैं, और कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड सिमोन बाइल्स, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 अवार्ड्स हैं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, और ये कहाँ पर हुआ, ये मैड्रिड में, स्पेन में हुआ ये पूरा का पूरा इवेंट। अगर हम इन कह लीजिए गेम्स की या स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करते हैं, एनुअल इवेंट 2000 के बाद ये लगातार हो रहा है, इसमें
स्पोर्ट्स वुमेन, स्पोर्ट्स मैन, टीम ब्रेक थ्रू, कम बैक एक्शन, स्पोर्ट्स फॉर गुड, ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी शॉर्टलिस्टेड वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी या डिफरेंट एबिलिटी, उनको भी सेलेक्ट किया जाता है यहाँ पर, लॉरेस अवार्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है 2020 वर्ल्ड कप एम्बेसडर उसैन बोल्ट प्रेडिक्ट बिग थिंग्स। ये जो है वर्ल्ड कप कहाँ पर होने जा रहा है, 2020 वर्ल्ड कप 2024 एक जून से शुरू हो रहा है और ये आपका होने जा रहा है वेस्ट इंडीज एंड यूएस में। ठीक है, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 1 से 29 जून में फास्टेस्ट मैन अलाइव ब्रिंग्स हिज पैशन फॉर क्रिकेट, क्योंकि उन्होंने कहा कि किस तरीके से क्रिकेट जो है मेरे काफ़ी खास है, तो ये जो है एम्बेसडर हैं। ठीक है, वहाँ पर सो ICC मेन्स 2020 वर्ल्ड कप। ठीक है, नेक्स्ट आता है नरसिंह यादव को इलेक्ट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ WFI एथलीट्स कमीशन, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी, सो फॉर्मर कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलीट्स कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन सिलेक्ट किया गया है, और 2016 के ओलंपिक गेम्स से पहले, ठीक है, इन्होंने भारत के लिए मेडल जीते हैं। नरसिंह को आपको इस तरीके से याद रख सकते हैं, नरसिंह, ठीक है, हिरण्यकश्यप का वध किया था, पावरफुल थे, तो रेसलिंग में भी पावर चाहिए, वहां से आप इसको याद रख सकते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, नरसिंह यादव। चलिए नेक्स्ट है, सौरभ घोषाल रिटायर्स फ्रॉम प्रोफेशनल स्क्वैश एट 37, अगेन ही इज वेरी सक्सेसफुल प्लेयर एंड ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल स्क्वैश। सो सक्सेसफुल करियर विद 12 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टाइटल्स, उसके अलावा मल्टीपल मेडल्स कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में। ठीक है, सौरभ घोषाल, ठीक है जी, तो ये अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है स्क्वैश से। नेक्स्ट आता है युवराज सिंह को ICC मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बेसडर जो है चुना गया है। ठीक है, वो प्लेयर हैं जिन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे, विद कम समय बचा है, 1 जून से ये शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप, और जो है इसका एम्बेसडर जो है इनको चुना गया है। नेक्स्ट आपका पर्सन इन न्यूज, इंडिया की गीता सबरवाल अपॉइंटेड एज UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया। ठीक है जी, सीनियर ऑफिसर हैं, सो इंडिया अपॉइंटेड एज UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया बाय द UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, 3 दशक का इनको एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट, क्लाइमेट ट्रांजिशन, सस्टेनेबल पीस, गवर्नेंस में, सोशल पॉलिसी में, एंड कहीं ना कहीं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी और डाटा को यूज़ करेंगी, किस तरीके से सतत विकास लक्ष्यों को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, गीता सबरवाल काफ़ी सक्सेसफुल डिप्लोमेट हैं। नेक्स्ट आपका प्राबोवो सुबाइंटो डिक्लेयर्ड इंडोनेशियाज प्रेजिडेंट इलेक्ट अमिड कॉन्ट्रोवर्सी, ये वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है जी, डिफेंस मिनिस्टर थे प्राबोवो सुबाइंटो। ठीक है जी, उनको चुना गया है प्रेजिडेंट इलेक्ट। सो कंट्रीज हाइएस्ट कोर्ट रिजेक्टिंग द चैलेंजेस टू हिज लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर फेब प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस के बाद, मतलब उन पे चैलेंज हुआ उनके इलेक्शंस को लेकर, पर कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ठीक है, यही राष्ट्रपति अभी बनने जा रहे हैं। ठीक है जी, सो 58.6% ऑफ द वोट इनको मिला, जो नेक्स्ट टू थे उन दोनों को मिला के जो है इतनी वोट नहीं बनी जितनी इनको वोट्स मिली। सुधीर कक्कड़ फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी पासेस अवे। ठीक है, साइकोलॉजी आज के समय पर एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, सुधीर कक्कड़ जो है फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी माने जाते हैं। अब क्यों इंडियन साइकोलॉजी क्यों कहा गया, देखिए साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पहले से था, बट वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न आइडियाज़ को, वेस्टर्न स्टडीज़ को देख के किया गया था, बट इंडियन साइकी को या इंडियन कह लीजिए कल्चर को समझ के यहाँ के अकॉर्डिंगली साइकोलॉजी को डेवलप करना, उनका श्रेय जो है सुधीर कक्कड़ को जाता है। सो यहाँ पर उन्होंने जो गैप था वेस्टर्न और ईस्टर्न थॉट प्रोसेस में, ठीक है, उसको ब्रिज किया, लिविंग अ इनडेलिबल मार्क ऑन द फील्ड ऑफ साइको एनालिसिस इन इंडिया। ठीक है, ये श्रेय इनको जाता है। अवार्ड्स में मोहम्मद सलेम्स अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ एट वर्ल्ड प्रेस फोटो, तो ये एक महिला है गाजा में, किस तरीके से जो है अपने नेफ्यू को पकड़ कर बैठी हुई हैं और रो रही हैं, वो एक छोटे बच्चे की बॉडी यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, तो इस अवार्ड, इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ को काफ़ी जो है सराहा गया और इनको ये अवार्ड दिया गया है मोहम्मद सलेम को। सो पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर वन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 हाईली एस्टेब्लिश इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फॉर फोटो जर्नलिस्ट। ठीक है जी, रतन टाटा रिसीव प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021।
तो ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ने ये अवार्ड देता है, ठीक है जी। चेयरमैन एमेरिटस ऑफ टाटा ग्रुप एस्टेब्लिश्ड किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, और ये इनिशिएट किया गया था 2008 में बाय अच्युत सामंत। द अवार्ड एक्नॉलेजेस द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर एग्जेम्पलरी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये जो है अवार्ड दिया गया है रतन टाटा जी को। पी सुब्बाराव गेट्स आर्यभट्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। तो पी सुब्बाराव जो कि इसरो में काम कर चुके हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है जी। सो एरोनॉटिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रिएटेड अवार्ड फॉर प्रमोटिंग एस्ट्रोनॉट्स इन इंडिया, ठीक है। ये अवार्ड डिस्टिंग्विश्ड फेलो का टू संबंध इन देयर लाइफ टाइम अचीवमेंट। सो डॉक्टर सुब्बाराव हैज़ ओवर 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इसरो एंड ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ही फाउंडेड अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इन 1993, और जो कि सिस्टम्स और सब सिस्टम्स को डेवलप करता है इसरो के लिए और इंडियन डिफेंस के लिए, ठीक है। ये 1990 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन को का ये जो है मेंबर हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इट इज़ एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है लाइट वेट AI मॉडल 5.3 मिनी। देखिए कहीं ना कहीं डाटा कंजम्पशन ना हो, छोटा मतलब नॉर्मल चीज़ों को लेकर जो कस्टमर्स हैं वो AI को यूज़ कर सकें, इसको लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने एक लाइट वर्जन निकाला है 5.3 मिनी, ठीक है। सो एम्स टू अपील अ ब्रॉडर क्लाइंट बेस विद अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशंस। सो फर्स्ट ऑफ थ्री स्मॉल लैंग्वेज मॉडल रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट बैंकिंग ऑन द टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। किस तरीके से लोग जो है काम करते हैं उसको लेकर ये इम्पैक्ट करेगा, लार्जर ऑडियंस बेस को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया गया है। नासा का सोलर पावर स्पेसक्राफ्ट पायनियरिंग सोलर सेल टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट, नाम से क्लियर है सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, इन इटसेल्फ इट इज क्लियर। सो ग्राउंड ब्रेकिंग स्पेस मिशन फ्रॉम न्यूजीलैंड डिप्लॉइंग द एडवांस्ड कॉम्पोजिट सोलर सेल सिस्टम स्पेसक्राफ्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है रॉकेट लैब्स इलेक्ट्रॉन रॉकेट से, और इनोवेटिव स्पेसक्राफ्ट यूजेस सोलर एनर्जी फॉर प्रोपल्शन सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी। तो किसने लॉन्च किया है, ये नासा ने लॉन्च किया है, ठीक है, सोलर सेल टेक्नोलॉजी सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट। चाइना लॉन्चेस शेंचाओ 18 क्रू टू त्यांगोंग स्पेस स्टेशन। देखिए एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसको 5 स्पेस एजेंसीज मिलकर रन कर रही हैं, नासा, जाक्सा, जापान स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड रॉसकॉस्मोस दैट इज रशियन स्पेस एजेंसी। इसके काउंटर में चाइना ने अपनी स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया है त्यांगोंग स्पेस स्टेशन, ठीक है, त्यांगोंग स्पेस स्टेशन। तो लॉन्च चाइना लॉन्चेस शेंचाओ 18 क्रू। सो टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स अबॉर्ड एज अ पार्ट ऑफ चाइना शेंचाओ 18 मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने कहा है विच एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय 2030, 2030 तक चाइना अपने एस्ट्रोनॉट्स मून तक भेज देगा, ये उनका आइडिया है, ठीक है जी। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल पंचायती राज दिवस या राज डे 24th of April को, क्योंकि 24th of April 1993 को ही जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी, पंचायती राज जो है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था, और ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में एक बहुत बड़ा स्टेप था जो संविधान में दिया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया गया था, बट इसको लेकर कई सालों की मेहनत के बाद फाइनली इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। तो उसी दिन को हम जो है नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे 22nd April, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 22 मार्च को जो आपका इक्विनॉक्स होता है उसके एक महीने बाद मदर अर्थ डे है, तो एक महीने तक आप देख रहे हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है, तो एक महीने के बाद मदर अर्थ डे उसको मना रहे हैं। सो 54th इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, अर्जेंट नीड टू एड्रेस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, चैलेंजेस पॉल्यूशन का है, डिफॉरेस्टेशन का है, ग्लोबल वार्मिंग का है, और किस तरह इस साल का जो थीम था बहुत इंपॉर्टेंट, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, खासकर जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं उनको कैसे एलिमिनेट किया जाए, ठीक है। तो ये किस तरीके से हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ह्यूमन और इन्वायरमेंटल हेल्थ पर, प्लास्टिक का क्या इम्पैक्ट है उसको लेकर।
नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मलेरिया डे 25th of April, तो आप इसको ऐसे याद रखो, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, इन्वायरमेंट में जो है कहीं ना कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है खासकर इक्वेटोरियल रीजन में, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मलेरिया पनप रहा है, ठीक है, मलेरिया पनप रहा है, तो इस चीज़ को सीक्वेंस में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने बात करी इन्वायरमेंट की, तो आपने गांव देहात की बात करी, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, फिर गांव की बात करी तो वहां पे मलेरिया की बात होगी कि मच्छर बहुत है और बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहा है और उसकी वजह से मलेरिया फैल रहा है। वर्ल्ड मलेरिया डे एस्टेब्लिश बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू रेज अवेयरनेस ग्लोबल बर्डन क्या है, खासकर ट्रॉपिकल कंट्रीज में बहुत बड़ा एक चैलेंज है ये मलेरिया, फाइट अगेंस्ट द मलेरिया इन अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 26 अप्रैल, चेर्नोबिल जो कि प्रेजेंट डे यूक्रेन में है, पहले USSR में हुआ करता था, उसमें दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर आप कह सकते हैं। सो टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियर डिजास्टर्स, 26 अप्रैल 1986 को ये हुआ था, द न्यूक्लियर द वर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन हिस्ट्री अकर्ड एट चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट इन यूक्रेन। सो द एक्सीडेंट रिजल्टेड फ्रॉम अ टेस्ट गॉन रॉन्ग कॉजिंग एन एक्सप्लोजन एंड फायर इन द नंबर 4 रिएक्टर, ठीक है। तो ये प्रेजेंट यूक्रेन में, अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर थी उसमें भी ये चेर्नोबिल जो जगह है वो चर्चा में थी, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26th of April, तो आप ये कह लीजिए जिस दिन न्यूक्लियर डिजास्टर उसी दिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की गई, किस सोच समझ के चीज़ों को लगाया जाए, ठीक है, सोच समझ के इंटेलेक्चुअल जो है तरीके से न्यूक्लियर डिजास्टर्स को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, डेडिकेटेड टू द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, और ये जो है IP एंड SDGs, बिल्डिंग आर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो ये था आज का सेशन, आई होप यू लाइक द सेशन, प्लीज डू लेट अस नो अबाउट योर एक्सपीरियंस इन द लेक्चर, सो विल कीप ऑन अपलोडिंग द लेक्चर्स, ठीक है, फिर उसके बाद हम रेगुलर कर देंगे सेशंस को, ताकि सारे बच्चों को रेगुलरली जो करंट अफेयर्स हैं वो मिलते रहें, बाकी के जो वीकली करंट अफेयर्स हैं मंथ ऑफ मे के वो हम एक एक करके अपलोड करते रहेंगे वेरी सून। थैंक यू सो मच, जय हिंद वंदे मातरम, बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, गर्मी का समय है, प्लीज़ स्टे इनसाइड एज फार एज पॉसिबल, और बहुत बहुत ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।